नमस्कार। भारत लाइव पर लगातार आपको, जब से ये सरकार बदली है बिहार में और नीतीश कुमार केंद्र में नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक अभियान के तहत बाहर निकले हैं, तब से लगातार हम इस देश की राजनीति में हुए उथल पुथल को लेकर के और बिहार में इसके प्रभाव को लेकर के बिग स्टोरी में आपको वो खबरें बताते हैं जिन खबरों का कोई चर्चा नहीं होता है। ये खबरें नीचे दब करके रह जाती हैं, लेकिन इन खबरों का असर बहुत होता है। अब वर्तमान परिस्थिति में नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के विरुद्ध विपक्ष को एकजुट करने के लिए निकले हुए हैं, बार बार ये रिपीट कर रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं। लेकिन इन सब के बीच में कुछ ऐसे फॉर्मूला हैं, कुछ ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट को यदि नीतीश कुमार सार्वजनिक रूप से उन सारे विपक्षी लोगों को गैर भाजपाई दलों के साथ बैठ करके डिस्कस करें और उन संभावनाओं पर विचार करें जो नरेंद्र मोदी को हरा सकती है, क्योंकि ये बात आप मान के चलिए लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सत्ता कभी किसी की अस्थायी नहीं रहती है। ये राजतंत्र नहीं है कि पिता के बाद पुत्र का गद्दी पर बैठना निश्चित होगा। कई ऐसे उतार चढ़ाव आपने देखे होंगे और वर्तमान परिस्थिति में अपराजेय नहीं है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को हराना असंभव नहीं है, मुश्किल जरूर है और इस मुश्किल को दूर करने के लिए, पाटने के लिए थोड़ा सा इतिहास के पन्नों पर जाना पड़ेगा। बिहार एक बार फिर से तैयार हो गया है देश में बदलाव के लिए। नीतीश कुमार उसके वाहक बने हैं और उनके साथ बिहार की 7 से 8 जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, वो उनके साथ तैयार नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस भी बिहार में उनके साथ सरकार में है और कांग्रेस भी चाहती है कि इस देश में बदलाव हो। इन सारी स्थितियों को लेकर के आखिर वो संभावनाएं क्या हैं, वो फार्मूला क्या है जिस फार्मूला से नीतीश कुमार का ये अभियान सफल हो जाएगा और नरेंद्र मोदी को 2024 में हराया जा सकता है। कहते हैं कि दशा 10 साल के बाद बदलता है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का दशा बदलेगा? भारतीय जनता पार्टी हालांकि तैयारियां जबरदस्त कर रही हैं और विपक्ष को पूरी तरह से ध्वस्त करने का एक एक जो कारण है वो खोज करके, पॉइंट आउट करके उस पर विचार कर रही है। हमने आपको कल बताया था खबरों में कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो सीट जीते हैं 2019 में, उसके अलावे 144 ऐसे सीट है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी रणनीति बना रही है कि यदि इन 303 सीटों में से कोई सीट कम होता हो तो आने वाले चुनाव में 144 में से सीटें जीत करके उसकी भरपाई की जाए। यानी भारतीय जनता पार्टी को कॉन्फिडेंस है इस बात का है कि वो 2024 में भी सत्ता में आ रही है। भारतीय जनता पार्टी और RSS के किसी भी सदस्य से आप पूछें, जो सबसे निचले पायदान पर भी है, वो आपको बताएगा कि 2024 क्या 2029 तक नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। आखिर इस दावे के पीछे की वजह क्या है और विपक्षी एकता को लेकर के जो उपहास उड़ाया जा रहा है, नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज उतना मजबूत नहीं है, उसके पीछे का कारण क्या है, क्या करना होगा, कौन सा फार्मूला है, ये हम आपको आज बताने की कोशिश कर रहे हैं। इतिहास के पन्नों को अगर जोड़ा जाए, उदाहरण को अगर देखा जाए, तो 2014 में नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में आए तो उनकी विशेषता क्या थी, क्या खूबियां थी? तो सबसे पहली बात तो ये थी कि उनके पास एक मजबूत टीम थी, एक मजबूत और सशक्त टीम थी जो हर हाल में करने मरने के लिए तैयार थी। राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, अमित शाह, ये थिंक टैंक हुआ करते थे नरेंद्र मोदी के और ये देश में एक स्वर जो उठता था वो पूरे देश में प्रचारित होता था और बाकी के जो कैडर बेस्ड पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसका फायदा मिला। इसके साथ ही लंबे समय से चली आ रही इस देश में जो कांग्रेस की राजनीतिक धारा थी, उस धारा को कहीं ना कहीं मोड़ने का प्रयास किया गया और ये बताने का प्रयास नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया कि भारतीय जनता पार्टी अगर आती है तो क्या बदलाव होंगे। यानी नीतीश कुमार को इन सारी विषयों पर, सारे बातों पर बहुत मजबूती के साथ ध्यान देना होगा और इस ध्यान के साथ सबसे जरूरी जो बात है वो ये है कि 2014 में इस देश की जनता को ये बात पता था कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार
भारतीय जनता पार्टी का कौन है, उसमें कोई संशय नहीं था। लेकिन साझा विपक्ष की तैयारी में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, ये बात अभी भी संशय में है। 2014 में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए, ये बिल्कुल खुला मंच था कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे और राहुल गांधी पर अटैक करके ही नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ाया जा सकता था। राहुल गांधी को पूरी तरह से बच्चा साबित करने का प्रयास जो भारतीय जनता पार्टी का था, पप्पू साबित करने का जो प्रयास था, उस प्रयास में भारतीय जनता पार्टी सफल रही। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की जो रणनीति थी, नीतियां थी, उस पर टारगेट किया, उस पर प्रहार शुरू किया और नीतीश कुमार को भी भारतीय जनता पार्टी के उन नीतियों पर प्रहार करना होगा। 2014 का उदाहरण नीतीश कुमार के सामने है, अगर उस उदाहरण के साथ, क्योंकि तब गुजरात के एक लंबे समय से रहने वाले मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी, आज नीतीश कुमार भी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और सशक्त मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि पिछले 17 सालों से उन्होंने, चाहे दल कोई भी रहा हो, सत्ता पर वो रहे हैं और बिहार की जनता को वो ये भरोसा दिलवाने में कामयाब रहे हैं कि वो हैं तो बिहार सुरक्षित है। इन सारी बातों को लेकर के नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कांग्रेस को पूरी तरह से शून्य साबित किया और कांग्रेस के उन मुख्य मुख्य नेताओं के भ्रष्टाचार को लेकर के जो चीजें उजागर की, जो इस देश की जनता को बताने में कामयाब रहे कि कांग्रेस ने एक बड़ा भ्रष्टाचार किया है, उस भ्रष्टाचार को लेकर के ये देश खोखला होता जा रहा है और देश की आर्थिक स्थिति जो है, अर्थव्यवस्था जो है, वो चरमरा गई है। जबकि आपको ये बात पता है कि इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में जाने माने अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह बैठे हुए थे, उन्होंने कई बार गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने का प्रयास किया और सफल भी रहे, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी मनमोहन सिंह को शून्य साबित करने में, मनमोहन साबित करने में कहीं ना कहीं सफल नजर आई। तो नीतीश कुमार को भी, नरेंद्र मोदी को इसी तरह के जो पॉइंट्स हैं उस पर घेरना होगा और इसके लिए नरेंद्र मोदी की तरह नीतीश कुमार को भी एक सशक्त फैसला लेना होगा। ये फैसला बिहार में बैठ करके संभव नहीं है। बिहार की गद्दी वो जिसे भी सौंपना चाहें सौंप दें, तेजस्वी यादव उसके प्रबल दावेदार हैं, नीतीश कुमार ने उन्हें अपने उत्तराधिकारी के रूप में भी स्वीकार कर लिया है। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को खुल करके मैदान में आना होगा यदि 2024 के युद्ध में वो नरेंद्र मोदी को परास्त करना चाहते हैं। कांग्रेस की कमजोर कड़ियों को खोज खोज करके पूरी टीम के साथ, एक बेहतर आईटी टीम थी भारतीय जनता पार्टी के पास जो नरेंद्र मोदी का गुणगान कर रही थी और नरेंद्र मोदी को स्लोगन के माध्यम से हो या बिहार से लेकर के देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाने की बात हो तो हर घर तक हर हर मोदी घर घर मोदी कह के पहुंचा दिया था। नरेंद्र मोदी को हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा साबित करने के लिए कांग्रेस की पुरानी रणनीतियों को और मुस्लिम तुष्टिकरण को लेकर के सामने लाया गया। नीतीश कुमार के पास भी सेकुलरिज्म एक बड़ा हथियार है, समाजवाद एक बड़ा हथियार है, संविधान एक बड़ा हथियार है, जिसको लेकर के वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के सामने पूरी मजबूती के साथ खड़ा हो सकते हैं। लेकिन फिर वहां आकर के नीतीश कुमार को स्पष्ट करना होगा, साझा विपक्ष को ये तय करना होगा कि उसका मुखिया कौन होगा। इस देश को पता चलना चाहिए कि कौन व्यक्ति है जिस पर भरोसा किया जा सके, वरना इस देश के इतिहास ने कई बार हमें चौंकाया है। जब जब साझा विपक्ष एकजुट हुआ है तब तब इस देश ने कई चुनाव झेले और निश्चित रूप से नहीं चाहते हैं देश के नागरिक कि बार बार चुनाव हो, क्योंकि इससे आखिरकार नुकसान देश के आम लोगों का ही होता है। और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी कामयाब होते दिख रहे हैं। यही कारण है कि विपक्ष की एकता नहीं, बिखरा हुआ विपक्ष नरेंद्र मोदी के लिए कहीं ना कहीं कहा जाए तो अमृत का काम कर रहा है। विपक्ष की एकजुटता नहीं होना नरेंद्र मोदी के सत्ता में बने रहने का एक बड़ा कारण बना हुआ है। आज भी आप देख लीजिए कि जिस तरह से नीतीश कुमार अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं से मिले हैं तो निश्चित रूप से एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए था, जो हमें समझ में आता है, जो
आम परसेप्शन है और जिन बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया जा सकता था, ऐसी एक प्रेस वार्ता होनी चाहिए थी और साझा विपक्ष एक मंच पर बैठ करके ये दिखाने का कोशिश करता कि हम एक हैं। लेकिन यही बात जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि विपक्ष का मुखिया कौन होगा, क्या मायावती होंगी, ममता बनर्जी होंगी, अखिलेश यादव होंगे, लालू प्रसाद होंगे, नीतीश कुमार होंगे, शरद पवार होंगे, इस तरह से अरविंद केजरीवाल होंगे। लगातार नामों का एक लिस्ट आ रहा है, केसीआर तक का नाम सामने लाया जा रहा है कि आखिर कौन होंगे। विपक्ष अभी तक ये फैसला नहीं कर पाया है, चूँकि हालांकि एक बात और है कि ये बहुत जल्दबाजी है, बहुत पहली दौर का ये मुलाकात का सिलसिला चला है। इसके बाद नीतीश कुमार ने कहा है कि हम फिर से बैठेंगे, फिर से मिलेंगे और मिल करके हम लोग एजेंडा तय करेंगे। कॉमन मिनिमम एजेंडा के तहत हम लोग भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का पूरा कोशिश करेंगे और बेदखल करेंगे। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार लगातार कह रहे हैं, लेकिन जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अपनाना पड़ेगा। कोई भी मैथ जब सोल्व करते हैं आप, तो उसके लिए फार्मूले पर आकर के जाना पड़ता है, कसौटी पर उसको कसना पड़ता है, तब जाकर के वो हिसाब हल होता है। आज बिहार के राजनीतिक माहौल में, देश के राजनीतिक माहौल में कुछ ऐसे ही हिसाब हैं जिसका फार्मूला पहले से मौजूद है। इस देश ने कई चुनाव देखे हैं, 17-18 चुनाव देखने के बाद ये देश अब उस जगह पर आके खड़ा है जहाँ इस देश के लोगों को, युवाओं को रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था चाहिए, सम्मान चाहिए, एकरूपता चाहिए, समरसता चाहिए, सामाजिकता चाहिए, सार्वभौमिकता हमारे संविधान की जो सबसे बड़ी खूबी है वो चाहिए। लेकिन बार बार सवाल ये उठता है कि दो पलड़े में भारतीय जनता पार्टी इस देश के नागरिकों को रखने में सफल हो जाती है, और इसके पीछे का कारण है वो विपक्ष, जो बातों को उस ढंग से नहीं रख पाता है। यहाँ आकर के विपक्ष की एकजुटता फेल हो जाती है। इस देश के नागरिकों को हिंदुत्व के एजेंडे पर एकजुट करने में भारतीय जनता पार्टी सफल रही है। जो आंकड़े हमारे पास हैं, उन आंकड़ों के हिसाब से 282 सीटें जो 2014 में आई थी भारतीय जनता पार्टी को, इनमें से 66% वोट उसे प्राप्त हुए थे, 428 सीटों पर उसने अपने उम्मीदवार को उतारा था। लेकिन इसके बाद भी कई ऐसे मुद्दे थे जिस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने का विपक्ष ने प्रयास किया, जिसमें हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और इसमें युवाओं को अपने पक्ष में करने में भारतीय जनता पार्टी सफल रही थी। जो आंकड़े बता रहे हैं, उन आंकड़ों के हिसाब से कुल 80 करोड़ वोटर जो हैं, उनमें से 35 करोड़ से अधिक, यानी 80 करोड़ से ज़्यादा वोटर हैं जो वोट करते हैं, जिन्होंने वोट किया था, और उनके इस 80 करोड़ में से 35 करोड़, लगभग 40% युवा हैं जो डिसाइडिंग वोटर होते हैं, उन्हें नरेंद्र मोदी अपने पक्ष में करने में कामयाब रहे। उसके साथ ही वो वर्ग जो गरीब वर्ग है, उसे भी अपने पक्ष में करने के लिए कामयाब रहे। जब उन्होंने एक एजेंडा लाया था, एक बात कही थी कि हर भारतीय के खाते में अगर काले धन को लाया जाए, जिसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, भ्रष्टाचार पर उन्होंने उंगली उठाई थी और भारत के लोगों को सपना दिखाया था कि 15-15 करोड़ रुपए सबके खाते में आ जाएंगे, इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार का पैसा, काला धन विदेशों में पड़ा हुआ है। ये सपने निश्चित रूप से भारत के लोग देखने के आदि हैं, और सपनों को पूरा हो या नहीं हो, भारतीय जनता पार्टी दिखाने में सफल रहती है। और विपक्ष, कांग्रेस या नीतीश कुमार की बात कर लें, अन्य दलों की बात कर लें, तो वो यही सपना नहीं दिखा पाते हैं। जबकि क्षेत्रीय अगर दलों की बात करें, उनके क्षेत्र की बात करें, उनके राज्य की बात करें, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दे देते हैं। लेकिन देश की जब बात होती है, देशव्यापी जब वोट की बात होती है, सरकार की बात होती है, तो वहां आकर के भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस विपक्ष की एकता पर प्रहार करती है और इससे आगे निकल जाती है। आपने देखा कि किस तरह से एक नई शुरुआत हुई इस देश में 16 मई 2014 से,
जब रिजल्ट आए और रिजल्ट आने के बाद इस देश को एक नया और नए सोच वाला प्रधानमंत्री मिला शपथ ग्रहण के बाद, और उसके ठीक पहले नरेंद्र मोदी ने इस देश को सुरक्षा के नाम पर बेहतर टिप्स दिया। उन्होंने कहा कि 56 इंच के सीना वाले वो हैं। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी के काम को अगर उन्होंने वादा किया वो पूरा किया या नहीं किया तो विपक्ष पूरी तरह से घेर नहीं पाया। नरेंद्र मोदी के नाकामियों को इस देश के विपक्ष ने सामने नहीं लाया और न देश की जनता को बता पाए। ये सबसे बड़ा विपक्ष का फेलियर है। लेकिन अब बदली हुई परिस्थिति में जिस तरह से मजबूत टीम के साथ एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और उसके सामने टारगेट पर नीतीश कुमार हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जैसे ही नीतीश कुमार साझा विपक्ष की अगुवाई करने निकले हैं, नीतीश कुमार रडार पर हैं और नीतीश कुमार के बिहार में जहां उनकी तूती बोलती है पिछले 17 साल से वो सत्ता में काबिज हैं और भारतीय जनता पार्टी उनके सामने सर उठा नहीं तक नहीं उठाती थी, वही भारतीय जनता पार्टी आज नीतीश कुमार को बेदखल करने के लिए पूरी की पूरी प्लानिंग बनाने में सफल है। फार्मूला नीतीश कुमार को मिल गया है। अब इस फार्मूला पर नीतीश कुमार कितना अधिक अमल करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। 2014 के जो चुनाव के परिणाम थे उसे 2024 में पलटा जा सकता है, बशर्ते कि आप जानते हैं कि विरोधी के रणनीति को समझ करके उस पर प्रहार करने वाला ही विजेता होता है। बिहार इस देश में अपना प्रधानमंत्री दे सकता है अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा और नीतीश कुमार भाजपा को उसकी रणनीतियों में के साथ घेरने में कामयाब हो गए। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी जहां इस देश में हिंदुत्व की बात करती है तो नीतीश कुमार के पास समाजवाद और सेकुलरिज्म सबसे बड़ा हथकंडा है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार इस पर कैसे क्या करते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने मुलाकात के बाद तो सबसे पहला जो बयान दिया है वो ये कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है। तो फिर कौन है प्रधानमंत्री का उम्मीदवार जो नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा होगा और नरेंद्र मोदी की नीतियों में उनके घर में घुस करके उन्हें मात देगा? सवाल बड़ा है। इस सवाल के साथ आपको छोड़ के जा रहे हैं बिग स्टोरी में। आज का ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आखिरकार जो कुछ भी होना है 2024 में हो या आज हो उसका असर आप पर पड़ना है, आपके बच्चों पे पड़ना है, आपके वर्तमान और भविष्य पे पड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना देर तक सब कुछ सुना। हम आशा करते हैं कि हम आपके भावनाओं पर, आपके सोच पर और आप तक सही संदेश पहुंचा पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे को घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।